देहरादून में जमीनों के फर्जीवाड़े के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। आए दिन जिलाधिकारी को जमीन के फर्जीवाड़े से संबंधित कई शिकायतें प्राप्त होती रही हैं और खासतौर पर विवादित भूमि की शिकायतें जिलाधिकारी के ज्यादातर संज्ञान में आ रही हैं। हालांकि जिलाधिकारी सोनिका का कहना है कि जमीन से संबंधित शिकायतों पर कार्रवाई करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया जा रहा है। जैसे मैंने बताया कि पहले से ही लैंड में दो तीन कैटेगरी हैं, या अलग अलग तरह की शिकायतें आती हैं। एक तो जो हो गया फर्जीवाड़ा हो गया, वो तो एक अलग जांच हमारी चल रही है। इसके अलावा इम्पर्सोनिफिकेशन की आती है कि लैंड किसी और की, किसी और ने आके यहाँ पे रजिस्ट्री करा दी, जिसे आज एक शिकायत इसकी आई थी। ये हो गया इम्पर्सोनिफिकेशन का। एक हो गया कि किसी ने लैंड बेच दी लेकिन वहाँ पर लैंड है ही नहीं, उसका कब्जा नहीं है। अब वो कब्जा लेने के लिए यहाँ पे आते हैं कि कहाँ हमारी लैंड है। तो इस तरह की अलग अलग कैटेगरीज हैं और इन सब में कहीं ना कहीं फर्जीवाड़ा है कि किस तरह से लैंड बेची गई और फिर कब्जा क्यों नहीं मिला करके। तो हम अलग अलग तरह से अपने SDM और हमारे तहसील ऑफिसर और रजिस्ट्रार ऑफिसर को देखता है और कोशिश करता है कि मैक्सिमम जो सहूलियत है लोगों को मिले।